आप देख रहे हैं अखंड भारत, मैं हूं विनय कुमार। आपके लिए, आपके देश के लिए और आपके भविष्य के लिए सबसे सुखद और अच्छी खबर, फाइजर ने, यानी फाइजर जो कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सफल कंपनी में से एक है, उन्होंने बच्चे के लिए टीके का सफल परीक्षण किया है। यानी 5 साल से 11 साल तक के बच्चे भी कोरोना का टीका लगा पाएंगे। मतलब यह कि भारत के साथ अब अन्य देश के भी बच्चे आने वाला समय में कोरोना की जंग में कोरोना को मात देंगे। भारत के साथ आज विश्व के अधिकांशतः देश कोरोना की चपेट में है। बच्चे, नौजवान, बूढ़े संक्रमित हो रहे हैं, अधिकांश बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। यानी अभी का अगर हम लोग ग्राफ उठाकर देखें, अभी का वास्तविक हालात का अध्ययन करें, तो आपको महसूस होगा, आपको दिख जाएगा कि आज बच्चे कितना संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन फाइजर ने इस टीके का सफल परीक्षण कर भारत के भविष्य का ही नहीं बल्कि विश्व के भविष्य का एक सुंदर पहल किया है उसको बचाने में, कोरोना का जंग में जीतने में। आज अमेरिका, ब्रिटिश में इसका जो मंजूरी होता है उसके लिए इस मंथ के एंड तक इसका जो मंजूरी होगा, मंजूरी का जो पैनल है, सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर ये कंपनी काम करेगी। आज आपको बता दें कि बिहार अगले 6 महीने में 6 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। जब तक हम टीके नहीं लगाएंगे तब तक हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। अब बच्चे का जो सफल टीके का फाइजर कंपनी ने लॉन्च की है उसके बारे में कुछ और चीजें आपको मैं बता रहा हूं। 21 दिन का अंतराल होगा, 2 खुराक में यह टीके लगेंगे और यह टीके दूसरा खुराक, यानी जब यह टीका कंप्लीट हो जाएगा बच्चे में, तो फिर वो बच्चे का एंटीबॉडी होगा, उनका जो क्षमता होगा वो वयस्क और किशोर के समान हो जाएगा कोरोना की जंग लड़ने में। अब देखना यह है कि फाइनल अंतिम मंजूरी कब मिलती है, कब वो मंजूरी के जितने भी सारे रास्ते हैं वो फुलफिल करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहत की खबर ही सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आज के लिए ही नहीं आने वाला भविष्य के लिए। अब नई खबर के साथ फिर हम आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।